धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार अब नई व्यवस्था कर रही है। देखिए, स्कूलों में जाने से पहले बीपीएससी शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जो बातें के पाठक कहते रहे हैं, वैसे शिक्षकों से जाकर खुद वो मिल रहे हैं जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग इस वक्त कराई जा रही है। के पाठक बीते दिनों बिहियां पहुंचे हुए थे और वहां पर जाकर उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हालात का जानकारी उन्होंने लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गाँव में आपको शिक्षा जो है वो प्रदान करनी होगी। इतना ही नहीं, जो 15 किलोमीटर के दायरे हैं स्कूल जहाँ पर पोस्टिंग हो रहा है, उस 15 किलोमीटर के दायरे में कमरा लेने की भी बात उन्होंने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिन शिक्षकों को स्कूटी और बाइक या फिर 4 व्हीलर चलाने नहीं आता है, तो जल्द ही इसको सिखाने के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाएगी। यानी कि नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूटी, बाइक, 4 व्हीलर, तमाम जो चीज़ें हैं वो सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो खरीद सके और अपने जहाँ पे स्कूल से जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक की दूरी कम हो सके। देखिए, टाइम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं बिहार विद्यालय में कि समय पर शिक्षक नहीं पहुँचते, तो के पाठक ने जिम्मा संभाल लिया है कि समय पर शिक्षकों को इसको स्कूल भेजेंगे और इसके लिए वो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं विद्यालय में। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर जरा देखिए। पहले से कितने लोग कंप्यूटर जानते थे? अभी हो रहा है अच्छी तरह? बहुत सुंदर, बहुत। और यहाँ रहना खाना ठीक है? कंप्यूटर के अलावा जो पढ़ाया जाता है वो सब अच्छा है? वेरी गुड। चार आप लोग आए होंगे 20 या 21 तारीख को? सबका प्राइम नंबर वगैरह वेरी गुड। तो पढ़ाई करानी है क्लास में? विद्यालय देख लिया अपना? विद्यालय कैसा लगा? अच्छा। क्या लगा विद्यालय अच्छा? सब बच्चे थे? छुट्टी थी? आप लोग तो छठ की छुट्टियों में ज्वाइन किए होंगे ना? विद्यालय के आसपास घर ले लेना, मैं इतनी रात को यही बताने आया हूँ, ठीक है? इतनी रात को आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मुझे खुशी भी हुई और मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन कहने ये आया हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। कितने यंग लड़के हैं। अच्छा, कितने इसमें ऐसे हैं जो पहली बार जॉब कर रहे हैं? अच्छा, सारे ही हैं। रोजगार भी सृजन कर दिया, चलिए ठीक है। हमारा उद्देश्य रोजगार प्रथम नहीं है, हमारा प्रथम उद्देश्य है पढ़ाई। रोजगार क्रिएट हो गया वो तो एक सब्सिडरी एडवांटेज। बहुत बढ़िया, तो विद्यालय के आसपास घर लीजिएगा 2-3 किलोमीटर। अच्छा, इतनी सारी लड़कियां इसमें देख रहा हूँ, कैसे आएंगी जाएंगी विद्यालय? स्कूटी चलाना कितनों को आता है? एक मॉड्यूल ये भी रखिए भाई, ड्राइविंग सिखाई। 15 दिन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों कर रहे हैं, ठीक है? हम अलग से उसके लिए बजट सेंक्शन कर रहे हैं। आप 4 व्हीलर भी सीखिए, 2 व्हीलर भी सीखिए, आइए जाइए। बॉयज तो सब जानते ही होंगे, लेडीज में ये भी आत्मनिर्भरता जब कहते हैं तो आपकी एबिलिटी टू लिव योर डेली लाइफ विदाउट डिपेंडेंस ऑन योर हस्बैंड और फादर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अभी आपको क्या होगा, या तो आप ऑटो से आएंगे जाएंगे या कोई घर का सदस्य आपको छोड़ेगा ले जाएगा, है? तो सबके 4 चक्कर लग जाएंगे बजाय 2 चक्कर। तो सीख लीजिए गाड़ी चलाना, ये रवि कल के एजेंडा में डालो, मैं बोल देता हूँ। आप सिखाने के बाद देखिए ट्रेनिंग कितने कितनी लड़कियाँ 4 व्हीलर सीखना चाहेंगी, लेकिन और 2 व्हीलर सब सिखाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब सिखाओ। क्या कोई भी स्किल बेकार नहीं जाता है?
कंप्यूटर सीख रहा है, विद्यालय में अभी कंप्यूटर नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर नहीं, मुझे कंप्यूटर क्यों सिखाया जा रहा है। अरे एक साल में आ जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है, छठा सीजन में है और छठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहा है। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है, सुबह 10 बजे। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो, हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें साबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका, साबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को, एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है, लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सकें और आ सके, आनंद ले सके, क्योंकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पोडवाल जी वो आ रही हैं, आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा, हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूंगा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएं, जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं तो आप, हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुँच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएँ। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा, यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूंकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएँ, या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है, आपको वहां एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतजार रहेगा 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये वो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।